मीटिंग कैबिनेट की अज पंजाब सैक्रटेरिएट च हुई और उहदे विच पंज छे बड़े अहम फैसले जिहड़े है उह पंजाब दी कैबिनेट ने ले। सब तो पहला फैसला यह लिया कि जिहड़ा शाहपुर कंडी डैम है इहदी कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू की जाए, जिहड़ा अगला फेस है और ये तकरीबन 2800 करोड़ रुपए ये मुकम्मल होएगा। और ये ते जिहड़ा मसला पहला पैदा सी कि इहदे च जम्मू एंड कश्मीर इहदा शेयर होल्डर है, उन्होंने दस्तखत नहीं हो रहे सी, मुआहिदा नहीं होया सी, मुआहिदा जिहड़ा है वह पिछले महीने पूरा हो गया। इस डैम बनन नाल पंजाब नूं 90,000 एकड़ एरिया जिहड़ा है वह आपाशी थले आ जाएगा और हर साल 206 मेगावाट बिजली जिहड़ी है ये शाहपुर कंडी जिहड़ा अगला फेस है इहदे नाल होएगी। और कैबिनेट ने इहदे ते जिहड़ा कम शुरू करन दी मंजूरी वह दे दित्ती है। दूसरा फैसला लिया गया कि आनंदपुर साहब नैना देवी का एक रोपवे प्रोजेक्ट है जिहड़ा कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ते पंजाब गवर्नमेंट ये रल के करनगे ते इहदी मंजूरी दे दित्ती है। इहदे लई एक स्पैशल परपस व्हीकल एक स्पैशल कंपनी बनावांगे और पीपीपी मोड ते ये तैयार होएगा और जिहड़े जिहड़े यात्री है तीर्थ करन जांदे है वो आनंदपुर तो रोपवे दे जरिए मतलब पैदल नहीं जाना पएगा या होर कोई वो उस रोपवे दे जरिए मंदिर जाके दर्शन कर सकते हैं। इसे तरह ही 4 एकड़ और 1 नाल जमीन जिहड़ी कि पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट दी सी उन्हूं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिहड़ा बठिंडे बनन जा रहा है उन्हूं देण दा कैबिनेट तो मंजूरी मिल गई है। 175 एकड़ जमीन जिहड़ी पहला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एम्स नूं दित्ती सी उस तो इलावा है और इहदे चले जाण नाल मैनूं लगदा हुण इस वेले कोई अपरूवल जिहड़ी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बठिंडा की कोई पेंडिंग नहीं रह गई है। इस तो अलावा अज कैबिनेट ने जो आउण वाली सौनी की फसल है उहदियां तैयारियां किस किस्म दियां हो रही हैं उहदे परचेज सेंटर नोटिफाई हो गए है, बारदाना जिन्हों कहने गनी बैग्स उहदे इंतजाम किस किस्म दे है, स्टोरेज जिहड़ी है वह किस हाल च है और CCL लिमिट की पोजिशन है, ये सारा अज कैबिनेट ने इहदा जायजा लिया। और जो जिन्ने मसले जिहड़े मैं गिनाए है उहदे ते तकरीबन सारे कैबिनेट की संतुष्टि सी और क्योंकि इस साल इमकान है कि पंजाब दे विच 2 लख मैट्रिक टन झोना जिहड़ा है या चावल जिहड़ा है ये आण दा इमकान है और ये इस वाली रिकॉर्ड प्रोडक्शन होएगी पंजाब वास्ते, सो तैयारियां मुकम्मल है। इस तो इलावा 2003 दे विच एक FRBM फिस्कल रिस्पोंसिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट जिहड़ा बनिया सी उहदे एक्ट तां बन गया सी उहदे रूल जिहड़े है वह नोटिफाई नहीं हुए सी तो वह जिहड़े नवे रूल्स जिहड़े आ बना दिते गए है और वह रूल बनन नाल एशियन डिवेलपमेंट बैंक दियां कुछ शर्तां सी और वह शर्तां लई सानू कोई 50 मिलियन US डॉलर जिहड़े कि तकरीबन 300-400 करोड़ रुपए बनता है असी उहदी अगली जिहड़ी किश्त है उहदे लैण दे हकदार हो जांगे। इसे तरह ही एक चीफ इंजीनियर रिटायर होया मिस्टर MR गोयल वो डिजाइन कंसल्टेंट है और हालांकि उन्होंने उम्र 90 साल हो चुकी है पर उन्होंने ठेके ते फिर तो रिक्रूट करने का फैसला किया क्योंकि शाहपुर कंडी डैम ते थीन डैम दोनों इन्हों के डिजाइन किए हुए और इन्हों के म्यार का अजे ताई कोई डिजाइन कंसल्टेंट जिहड़ा है वह नॉर्थ इंडिया च है नहीं सी, सो कैबिनेट ने अपरूवल देती है क्योंकि जिस तरह मैं अर्ज की है कि शाहपुर कंडी डैम की उसारी ये फिर तो शुरू हो रही है और उदे लई फिर सानू डिजाइन कंसल्टेंट की लोड़ सी और MR गोयल जी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर ने और शाहपुर कंडी डैम ते थीन डैम इन्हों के ही डिजाइन किए हुए MR गोयल जी और रब भला करे थोड़ा। फाइनल जिहड़ा सीगा कि वकफ बोर्ड के भी जिहड़े रूल्स है हालांकि उन्हों
ਦਾ ਐਕਟ 2005 ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ AG LR ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਰੂਲਸ ਦੀ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸਟਰ VK ਗਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਪਰ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਕਰਟਰੀ ਦੇਣੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ 7-8 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਸਰ ਜਿਹੜੇ OSTs ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪਰ ਉਹ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਪਰੂਵਲ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ GST ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਡਿਸੰਬਰ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ AG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਚੱਕਦੇ TV ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।